हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AVKS एकेडमी। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स सीरीज़ लेके आए हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स सीरीज़ जो आपका आज से लेके जुलाई एंडिंग तक हम डेली अपलोड करते रहेंगे। ओनली टॉपिक्स अपलोड करेंगे, नॉट एक्सप्लेनेशन, ओनली बस टॉपिक्स अपलोड करेंगे। जो रेगुलर फॉलो करना चाहते हैं, जस्ट टेक ए नोट, अभी नोटबुक्स अपडेट से मेंटेन कर लो। मैं आपको टॉपिक्स दूंगा और आप इंफॉर्मेशन गैदर करो। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वी विल प्रोसीड फास्ट। ठीक है, क्योंकि हम बस आपका 120 डेज बचा है, तो हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक रहेगा, गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट रेस्टोरेंट सर्विंग फूड्स विथ लिक्विड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आपको देखो, रेड रेड कलर मार्क में हमने मार्क किया है, तो ये लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो सब कर लेना। और मैं यहाँ पे दिया हूँ, यूज फॉर इंस्टेंट कूलिंग इन रेस्टोरेंट्स, इंस्टेंट कूलिंग के लिए यह सब लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक हुआ है। तो इसके अंदर आप जस्ट नोट कर लो, लिक्विड नाइट्रोजन करके नोट करो, उसके अंदर और 3-4 पॉइंट आप गैदर करो। ओके, तो ये आपका साइंस के टॉपिक के अंदर आएगा, साइंस। सो नेक्स्ट, PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके फायर क्रैकर्स के बारे में है। ठीक है, ये PESO जो है लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, पेट्रोलियम बंक्स हो या फायर क्रैकर जो भी इस्टेब्लिश करना चाहता है कोई, तो उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा अगस्त मंथ के है। ओके, अब नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट बैंड 5 केमिकल्स दैट आर यूज्ड इन क्रैकर्स। तो आपको यहाँ पे न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 केमिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5 केमिकल्स देखो, एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लेड, ये 5 केमिकल जो है इंपॉर्टेंट है। ये 5 केमिकल्स कि प्रॉपर्टीज भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक, अ मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। ठीक है, ये आपका की प्रिंसिपल है WTO के अंदर, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करो। ये आपको एसए में काम आ सकता है, इकोनॉमी में जो एसए आएगा उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, ये जो है MFN स्टेटस आपका टैक्स रिलेटेड के बारे में। ठीक है, एक टू कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा। GST कॉम्पनसेशन स्कीम, मतलब जो जिनका पेमेंट, जिनका ईयरली इनकम जो है 1,50,000 कितना है उनके लिए, उसके बारे में है ये। इसका भी आप थोड़ा ग्राउंड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट, मेथनॉल, अ क्लीन एंड चीपर फ्यूल, इसको मेथनॉल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो मेथनॉल के बारे में आप गैदर करो इंफॉर्मेशन। मेथनॉल जो है आपका, समझ लो अभी ये इंजन्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो जहाँ पे एवोपरेशन होता है इंजन्स में यूज़ करते हैं फॉर हाई कंप्रेशन रेशियोस उसके लिए। ठीक है, और नेक्स्ट, US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में, ये सब इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, US इंडिया जो भी इसके बीच में, जो भी इनके बीच में पार्टनरशिप प्रोग्राम्स हो या जो भी मेमोरेंडम्स हो, MOUs हो, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन बोथ द कंट्रीज, ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब आप इसके अंदर थोड़ा ग्राउंड करो। आज के लिए बस ये 7 टॉपिक्स है, तो कल हम फिर से एक 7 टॉपिक से मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।